ताकि रोड है ही नहीं अभी। क्या चले, क्या चले हम सब के, क्या चले और चले हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं। एवरीवन आज है ईद और अभी मेरे एक्सेप्टेड लिए हैं सिंह, यस, और जितने भी घर में आदमी थे वो चले गए हैं बकरा लेने, बकरे लेने। बल्कि आज हम लोगों को जरा सुकून है क्योंकि आज हम लोग लेट उठे हैं, 10 बजे उठे आज पल्लू, आज हम लोग 10 बजे उठे हैं और इतनी कोई जल्दी नहीं जाने की। लिपस्टिक भी लगा और मैंने भी नहीं लगाई। हेलो, लोग वीडियोस बनाने लगते हैं, मेरी एक भी वीडियो नहीं बनी। मैं तरले डाल रही हूँ सबकी कि प्लीज़ मेरी भी वीडियो बना दो, लेकिन कोई नहीं बना रहा। बाल फंस गए हैं और अपने मामू निकाल रहे हैं। फिर मामू लगता कामयाब होंगे आपके? निकल गए। मुझे लगता काटने पड़ेंगे सारे हैं जाने। काट दूंगी लिशी ऐसी बात। अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और ईद का वो जो जानवर थे वो भी कुर्बान कर दिए और उसका गोश्त भी हो गया अभी काफी रहता। आज हम लोगों का शिंगरेला जाने का प्लान है, वहाँ जाके खाना खाने का, लेकिन अब मेरा दिल है मैं बस चेंज करूँ जी। अब जो गोश्त है तैयार, वो कौन देने जाएगा बांटने? हम जाएंगे, कल जाएंगे ना। नहीं, यहाँ तो जुबान पे जाना है। आज हम जाएंगे ना, ये इस इलाके में तो जरूरत ही नहीं है, जिस इलाके में जरूरत है वहाँ पे जाएंगे ना, जहाँ जरूरत मन पड़े। वो गरीबों का अलग है ना, ये महीने का और ईद का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, डराओ तो नहीं, वरना तुम्हारी गर्दन काट। एक बाल भी नहीं कटेगा, एक बाल देख रहा हूँ। बहुत बड़ी बात करें कि जन्नत की फस गई पोनी वालों में निकली और असी खान काटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो और फंसती जा रही है। और जन्नत तेरे बाल जो खुल रही है वो और फंसती जा रही है। इसके बारे में नुसरत ने कहा है, जो जो मैं कत्ती जहाँ होई जान दूरियाँ, बल्कि बाबा बुल्ले शाह ने कहा है। जन्नत तुमने की कैसे ये पोनी इतनी बुरी तरह? कोई पोनी करते ही ऐसे, हम करते ही ऐसे। आज हम लोग ये छोड़ के जा रहे हैं और हमारा अब कहीं और स्टे है, वहाँ पे जा रहे हैं। ईद के मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये भी मैं लेकर आई थी दामन में, वो उस पहाड़ की तरफ दूर है। नहीं तो इधर से कैसे जाएंगे? अभी आज आप मेन रोड में जा, मेन रोड पे तीन तलवार जो वो है, ये ऊपर नीचे डिवीजन वाला और दूसरे वाले वो नहीं। तो अभी सीधा जाओ, अभी हम कहाँ हैं, अभी किधर हैं? अभी यहाँ भी है, आपका शहर है यार, ये आपका भी शहर है नहीं, ये मेरा जाती कोई शहर नहीं। उन फयकून नीले गगन के तले, हम सबका नहीं। अभी क्या चले, क्या चले क्योंकि नीले गगन के तले हम सबके, क्या चले और चले राव चले यार, राव चले प्यार चले यार। लाफे मजा आ गया। गोश्त देने पहले हम लोग आए हैं, हम लोग निकल गए वहाँ से शिगर के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे गोश्त देने आए हैं कुर्बानी का। ये क्या नाम है जगह का? मदीना अहले बैत सर, मदीना अहले बैत कॉलोनी। ओके, ताकि फिर हम ठीक है सर। सुल्तान खैर सुल्तान खैर सर, ये एक फलाही इदारा है। ओके, वीडियो बन जाए ना? ठीक है सर, बना। अच्छा जी, फलाही इदारा है। तो फलाही इदारे हैं सर, इससे जो है ना आयतुल्ला शेख मोहसिन अली नजफी साहब के जरिए सरपरस्ती चल रहे सर। अभी शेख साहब कुछ अरसे पहले महरूम हो गए सर, अभी उनके फर्जन अल्लामा शेख अनवर अली नजफी के जेर सरपरस्ती चले सर। तो यहाँ पे तकरीबन हम कैटेगरी के हिसाब से लेते सर, बेवा यतीम माजूर जो मुस्तहिक हो, तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के हर इजलास से, चाहे खरमा हो, शिकर हो, खपुल हो, चाहे बॉर्डर एरिया हो, वहाँ से हम चुन के वेरिफिकेशन करके यहाँ पे 10 साल के लिए हम उनको रहिश देते हैं इसी कॉलोनी में। ओके, तो यहाँ पे मेडिकल से लेकर तालीम से लेकर यानी तमाम तरह जो जरूरी चीजें हैं सर, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उसवा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे है सर, तालीम
बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अलग सुकून है। और अभी कुल आबादी सर 300 की आबादी कितनी होगी इस कॉलोनी? अभी तकरीबन 2500 है सर। 2500 जी जी। अच्छा माशाल्लाह। 378 क्वार्टर है सर। 378 क्वार्टर जी जी जी। ओके सर, कुछ भी नहीं है सर, हर चीज फ्री, गैस सिलेंडर से लेकर हर चीज सर, दो टाइम का रोटी भी हम यहाँ पे कपड़े से पका के देते हैं जी जी। कपड़े वगैरह, कपड़े वगैरह ईद के दिन सर। तो ये जो है इसको कौन स्पॉन्सर करता है, फाइनेंस कहाँ से आता है इस सारे? ये ज्यादातर कुवैत से आते सर, बाहर से जी जी, बाहर से। ओके, लोग डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, कराची के डोनर्स भी हैं सर, वो भी डोनेट करते हैं सर। अल्लाह पाक उनको अजर दे सबका। 120 का है ये, दे दें ये एक ही बस, इससे गला खराब हो जाता है मेरा। थैंक यू। हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं, गूगल तो ये सही दिखा रहा था और गाड़ी लगी है, नीचे से लगी है समी। तो आगे से गाड़ी कैसे आ रही है समी? आगे से भी निकल जाएगी वैसे। अभी रुक जाए, रुक जाए, आगे देखते हैं। ये इधर से देखिएगा, खाली है सारा। इधर को आने दे, इधर को। समी की साइड पे जाएं। साइड पे वो जगह है। पिछला भी ऐसे ही बना हुआ है ना, जो मेरी साइड थी वो सारी खोखली थी, उसमें गाड़ी लगी है इतनी गंदी। उसको आने दो पहले, उस गाड़ी को। हम लोग गलत आ गए हैं, हमें यहाँ के लोकल कह रही यहाँ से ना जाएं, पीछे से मिले। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं ना पता होगा कि रोड है नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये तो सिर्फ हमें पता है। वो तो सिर्फ ये डर रही होंगी, दिखाई पहले हमारी जगह हो तो रुक जाएंगे। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, हमें रास्ता ही नजर आ रहा गूगल मैप्स पे, हम जहाँ पे वहाँ पे कुछ नहीं है। और कितना खौफनाक है ये। अपनी मामा को तो अपने टिकटॉक की आईडी का पासवर्ड बताती है। पीछे वाली साइड साइड लग। हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए हैं, बिल्कुल सुनसान है, एक भी रोशनी नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये हम फंस गए हैं। और इनको मैं इधर लेकर आई हूँ, मेरी जान निकली हुई है कि मैं इनको कहाँ ले आई, मैं भी आदम खोल रहा हूँ। साइड पे खाई है बहुत गहरी और इस साइड पे बहुत लंबा पहाड़ है और मुझे तो डर लग रहा है कि मुझे लगता है कि रोड है ही नहीं। कभी कभी वाकई ऐसे मुझे लगता है कि अब आगे रोड खत्म, कसम से मुझे ये लगता है, एक दफा लगा कि आगे रोड नहीं है, हम नीचे जाएंगे। बहुत बहुत सुनसान है, एक भी रोशनी नहीं है, सिर्फ एक हमारी गाड़ी है, पीछे हमारी एक और गाड़ी है, उसके पीछे हमारी एक और गाड़ी है, ना बंदा ना बंदे की साथ कुछ भी नहीं। इनको कॉल करती हूँ, वो जिसने ये गाना बनाया था ना, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे, उधर आ गए हम, उधर आ गए। इस रोड पे कुछ नहीं है, अब वहाँ थोड़ी सी रोशनी मुझे वो नजर आई है। जैसे हाँ जी आगे चले जाएगी, चले जाएगी। फिर बैठे नंगे पाँव जा सकते हैं हम, नंगे पाँव जाए। जाए ते भी खड़े हो सकते हैं, हमें खड़ा कर लें इधर। ऐसी वैसी आपकी बेट भांजी क्यों, क्या लगती है आपकी भांजी? भांजी की बेइज्जती हो गई ना, ऐसी बेइज्जती हो गई। कहते हैं आज तो हम आ गए इधर, अब जिस दिन हमारी वापसी है तभी हम यहाँ से निकलेंगे। बहुत बिस्ती हो गई है तेरी मामा की, मुझे उस बात पे सबसे अच्छी है मैं तो कोई होटल में हो गया यार। इन्होंने यहाँ पे गोश्त रख दिया जो कुर्बानी का था, क्योंकि इनके पास फ्रीजर इतना बड़ा नहीं है कि गोश्त रख सके। जी बताइए आप लोग, लंगड़ा बंदा देखो नस नस पौड़ियां चढ़दा, लंगड़ा बंदा देखो किवें नस नस पौड़ियां चढ़दा। इलाके दा एसपी मेरे नाल हस हस गल्लां करदा। हम लोग आ गए हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर,
खाना अच्छा होगा ना मामू, खाना अच्छा होगा ना, मुझे यकीन दिलाई अच्छा होगा ना, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है कि हम कहीं और दिखा लें। 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए मैंने सन सिल्क से अपने बाल वॉश किए थे और इतने फ्रेश हैं जैसे अभी अभी मैंने हेयर वॉश किया, इतने स्मूथ इतने शाइनी। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो कि आपके बाल इतने हमेशा सॉफ्ट एंड सिल्की रहते हैं और इतने शाइनी रहते हैं, तो आई यूज़ सन सिल्क ब्लैक, ये बहुत अच्छे है। यहाँ मैं स्कर्दू आई हुई हूँ तो यहाँ पे ना डस्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा है, जैसे अब मेरा रोज़ यहाँ जहाँ मेरा होटल है वो डेजर्ट के पास है, तो डेजर्ट के पास से हम जब गुजरते हैं तो जो सैंड है ना वो बालों में इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आपके बाल जो है ना वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, तो आपका मतलब शावर लेना ज़रूरी है। लेकिन सनसिल्क के साथ ये इतने स्मूथ इतने शाइनी हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये एक शैम्पू इतना कैसे कर सकता है, अमेजिंग। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि पूरा दिन इसकी फ्रेग्रेंस मेरे बालों में रहती है। हम लोगों ने खाना खाया है और अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी। ये जगह इतनी दूर थी कि रास्ते में इतना हम लोग डर गए थे, और मेरी मामा पापा ने बहुत ज़्यादा की हुई है कि इतना दूर लेकर आई हो, और वाकई जो जहाँ जैसे हमने देवसाई जाना है या हमने अगर सतपारा लेक जाना है तो वो यहाँ से दो दो घंटे दूर है, देवसाई तो बहुत दूर है यहाँ से, मेरे ख्याल से 3 घंटे दूर होगा। जब अभी हम लोग स्कर्दू की मेन सिटी में रह रहे थे इससे पहले, तो उससे हर चीज़ बहुत करीब थी, जो सतपारा लेक थी वो भी मेरे ख्याल से 20 मिनट्स की दूर पे दूर थी यहाँ। तो अभी फैसला ये हम लोगों ने किया है कि हम कल का दिन यहीं पर गुजारेंगे, परसों देखते हैं क्या करते हैं, और एक दिन पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ स्कर्दू में कहीं रहेंगे और उसके बाद वापस नारान। अब तो मैं कहाँ जाऊँ, तो अब मैं बस सोने लगी हूँ, और सुबह बुफे है, बुफे में कभी मिस नहीं करती चाहे मैं जहाँ मर्जी हूँ, तो बुफे में करूँगी। 10:30 तक यहाँ का बुफे, तो उसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और फिर मैं बहुत खाऊँगी। अभी मैं सोने लगी हूँ, आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में अगर मैं बनाऊँगी तो। बाय बाय।